उसके ऊपर मैंने कल रात को ड्राइंग कर लिए थे और आज सुबह उसके ऊपर पेंट किया है। ये सब काम किस तरह से होता है वो देखना है, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैंने पार्ट ए और पार्ट दो इस तरह से काम किया है क्योंकि एक सुपर वाइट पेपर के अंदर सिर्फ 5 ही ड्राइंग तैयार हुए थे, तो ऐसे करके करते मैंने 2 सुपरवाइट पेपर पे ड्राइंग किए। एक एक सुपरवाइट पेपर का इस्तेमाल करके मैंने कलर किया और उसके बाद उसी को कटिंग करके मैंने दीवार पे लगा दिया। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। अभी मैं दूसरा काम चालू कर रहा हूँ। पहला जो चार्ट पेपर में मैंने स्केचेस किए थे वो यहाँ पे मैंने सारा काम पेस्ट कर दिया है। अब दूसरा जो चार्ट पेपर के अंदर मैंने काम किया है अब मैं उसको बनाने वाला हूँ। Thank you.
इस तरह से मैंने पूरा चार्ट वापस कलर के साथ तैयार कर दिया है, जो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। और इसको अब हम कट करेंगे और दीवार पे भी लगाएंगे। दीवार पे लगाने के लिए मैं सेलो टेप का इस्तेमाल करूँगा। और अब ये सब चिपक जाने के बाद फोटोग्राफी करके अच्छी तरह से पैकअप करेंगे।